हाँ कलीम, देखें मैं इसमें आपको ये कहूंगा कि एक एग्जांपल आपको मैं कोट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे मुझे पता है वो उसको बुरा नहीं मानेंगे, मैं उन्हें कोट कर सकता हूँ। आई नो देम फ्रॉम अ वेरी यंग, बहुत पुराने जमाने से जानता हूँ उनको मैं, जब वो बहुत मुश्किल वक्तों में थे। आप लोगों ने अब एक कंपनी का नाम सुना जो एटम्स बन गई, जो कि जूतों वाली कंपनी है, उसके बारे में आपने सुना कि वो ओकाड़ा से दो फाउंडर्स थे, एक का नाम था वकास, एक थे सिद्रा। ये लोग मेरे पास आए थे प्लान 9 में 2012 में, और इनके स्टार्टअप का नाम था होम टाउन शूज, और वो होम टाउन शूज बाद में मार्कफोर बना, मार्कफोर के बाद ये अमेरिका चले गए, उसके बाद उन्होंने एटम्स बनाया। मैं नहीं समझता कि इनको, और ये बड़े क्लियर थे इस पे, तो जब पहले दिन जब मैंने इनका पिच सेशन किया था 2012 में, कि वो पिच सेशन होते हैं, मैं फाउंड मैं इंक्यूबेटर चलाता था प्लान 9, तो जब मैंने सुना तो उनसे तो एक लाइन अंग्रेजी का ठीक तरह नहीं बोला गया। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि ये निजाम उन्हें पता था उन्हें कहीं अवेलेबल नहीं मिलना, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी दोनों ने। उनका कमरा अपार्ट फ्रॉम जूतों के डब्बों, जो जूते बेचते थे, वो किताबों से भरा होता था। दे रेड सो मच एंड दे वुड स्पीक ट्राई कॉपी, उनका जितना मजाक आप उड़ा लें उड़ा लें, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। दे रेड सो मच, देयर वोकैबुलरी इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट, देयर कम्युनिकेशन स्किल बिकेम सो मच बेटर देन सो मेनी पीपल जो कि ओ ए लेवल्स बैकग्राउंड से आए थे। एंड इट टुक देम व्हाट मे बी 6 मंथ्स, अ ईयर, ईयर एंड हाफ। आई थिंक यार ये विल पे होता है। अगर आप सिस्टम की बात करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है। ऐसी कोई कोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाया जाए, है ना, बनाया जाए, बिल्ड किया जाए, स्ट्रक्चर किया जाए। जो पढ़ाया है महंगे स्कूल में कॉलेज में, उसको बाय डिफॉल्ट सिखा दिया गया है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां थे जिनके साथ मैं पढ़ा हूं, उनकी अंग्रेजियों का बेड़ा गर्क है आज भी। वो अच्छी तरह आज भी दो लाइनें नहीं बोल सकते, उनके टेंसेस आज भी खराब है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको ये चीज एस्टैब्लिश हो गई है कि एक आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है या उर्दू है, अगर आप पंजाबी बैकग्राउंड से हैं या बलोची बैकग्राउंड से, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने उर्दू में बात करनी है तो उर्दू का एक खास डायलेक्ट है। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। सिमिलरली इंग्लिश में, द मोर यू प्रैक्टिस स्पीकिंग द बेटर यू बिकम। कोई आपको सिखा सकता है यार ये? नहीं, ये आपके, मेरा ख्याल है आपका एक्सेंट आपके पहले 5 सालों में बन जाता है, 5 से 7 सालों में बन जाता है। आप उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रीडिंग, बाय इंक्रीजिंग योर एक्सपोजर टू वर्ड्स एंड द वे यू एक्सप्रेस देम। देन आपकी मजबूरी, अगर आप चले गए, लेट्स से आप 14 साल के थे, आप अमरीका चले गए, अब 34 साल के वापस आएंगे, तो 20 साल आपने लेफ्ट राइट सेंटर अंग्रेजी में बोला है, आपको वैसी अंग्रेजी आ जाएगी, क्योंकि मजबूरी है आपकी। आपका कान सुन रहा है, आपकी आंखें लोगों को बोलता देख रही है, आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है उसको, और आपकी कॉग्निटिवली आपकी उस लैंग्वेज की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। पाकिस्तान में रहते हुए इट्स ऑल गोइंग टू बी सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प खुद, अपनी मदद आप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे स्कूलों में जो टीचर में पढ़ाते हैं इंग्लिश, वो भी आप उनकी अंग्रेजी सुन लें तो रोना आ जाता है। तो इट्स नॉट दैट हमें कोई खास समझ है और तमीज है अच्छी उर्दू बोलने की, या अच्छी जुबान बोलने की, या अच्छे अल्फाज का चुनाव करने की। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग, मेरी किताब में चैप्टर भी है पूरा एक, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स, और वो यही है। आप अच्छे अल्फाज कैसे बोल सकते हैं, आप कब समझ के क्या बोलते हैं, आपका दिमाग किस तरह प्रोसेस करता है सेंटेंस को और स्ट्रक्चर करता है। यस, ये एक एडवांटेज रहा है मुझे और बहुत से लोगों को जिनके पास ये स्किल था, लेकिन यकीन कीजिए बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैं स्टैमर करता था। क्या मेरे आज आपको बोलते हुए वो स्टैमरिंग नजर आई है? आज भी मुझे कुछ जगहों पे अल्फाज को बड़ी ताकत से अपनी जुबान का इस्तेमाल करके वो लफ्ज कहने पड़ रहे हैं। लेकिन व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि मुझे पता था मुझे उस चीज को हैंडल करना है और फाइट करना है, मैंने किया और वो हो गया फिर। तो ये उस तरह होता है, अनफॉर्चुनेटली सिस्टम उसको हेल्प नहीं करता। और वाकई कम्युनिकेशन स्किल्स एक क्रिटिकल क्रिटिकल चीज है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कम मेहनत की होती है, वो बोल चोल की रोटी पानी कमा लेते हैं, लेकिन यार थोड़ी देर की मार होती है यार, कुछ सालों की मार होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। देखिए बात यह है कि पैसे आपने कमाए हैं, क्या ये आपका सक्सेस है, या आपकी वजह से और लोग पैसे कमा पाए, ये आपका सक्सेस है। अब ये डेफिनेशन आपकी अपनी है। और आई थिंक जिस तरह इन्होंने कहा था कि
कि जॉब क्रिएटर्स बनाए रादर देन जॉब सीकर्स बनाए. तो जॉब क्रिएटर्स कौन होंगे? वो लोग जो औरों के लिए पैसे बनाएंगे. एंड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर आवर नेशन. हमारे मुल्क की इकोनॉमी ऐसी है ही नहीं कि वो एंटरप्रेन्योर्स के बगैर चल सके. सो दैट्स व्हाई आई एम अ मेजर प्रोपोनेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई बिलीव कि जितना ज्यादा हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर सकते हैं हमें करना चाहिए. तो अगर मुझे आप आज बोलें, मैंने अपने इंक्यूबेटर में पुराने जमाने में लोगों को मैकबेथ पढ़ाई है, खुद बकायदा किताब खोल के शेक्सपियर की किताब खोल के उनसे, ताकि वो अंग्रेजी बोलना सीखें, उन्हें खड़े होना सिखाया है, उनको सही तरह कोट पहनना सिखाया है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें. भाई वो पाकिस्तानी है, मेरे साथ है, मेरे दोस्त हैं, आखिर वो पैसे कमाएंगे तो हम सबको फायदा होगा. सो आई थिंक आज भी अगर मुझसे कोई ये सर्विस मांगे, आप मुझे बुला लें अगर अभी कि यार आप किसी दिन टाइम निकालें और आए, मैं आपको ये सारे के सारे सॉफ्ट स्किल्स जो है वो जो मेरी अदना सी हैसियत है सिखाने को तैयार हूँ उसमें. लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, आप उन स्किल्स को अक्वायर नहीं कर सकते. That's all I have to say for now.